हाय गाइस, आज हमारा एक्वेरियम देख ही रहे हैं कितना गंदा हो चुका है। आज कैसे हम एक्वेरियम को क्लीन करते हैं ये दिखाएंगे, हाउ टू क्लीन आवर एक्वेरियम। तो मैं इसको पहले साइफोनिंग करूंगा, उसके बाद इसका पानी चेंज करूंगा, वो धीरे धीरे आप देखेंगे। देख ही रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये पॉन्ड्स फिल्टर कितना गंदा हो चुका है। ये पॉन्ड्स फिल्टर हम निकालेंगे, उसके बाद इसको साफ करके फिर से हम यहाँ पे देंगे। इसको पानी पानी डालने से पहले इसमें नमक देना ज़रूरी है। ये है रॉक सॉल्ट, आप देख सकते हैं, रॉक सॉल्ट आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। खाने वाला नमक मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, इसलिए आयोडीन आपके फिश के लिए हानिकारक हो सकता है, माँस को फिश को डैमेज कर सकता है, मान सकता है। पानी चेंज करने से पहले इसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिए, इससे मछली स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो ये है तो आपका रिडोल का एंटी ईच जो ब्लू लिक्विड होता है। तो इसको पानी चेंज करने पर हर गैलन पे 4 से 5 बूंद देंगे, 4 से 5 बूंद हो गया। और कोई कोई टैप वाटर यूज़ करता है, तो टैप वाटर में क्लोरीन रहता है, इसलिए एंटी क्लोरीन भी देना चाहिए। मैं टेंकी का वाटर ही यूज़ करूँ, फिर भी मैं क्लोरीन 3-4 बूंद दूंगा इसमें। तो
गाइस तो ये फाइनल रिजल्ट है, मैंने पानी चेंज कर लिया एक्वेरियम का, एक बिट का चेंज कर लिया, दो बिट का फ्लावर का भी थोड़ा साइफन कर लिया, उसके बाद नीचे जो पार्टीशन पे मेरा पफर फिश है, दो पफर फिश है उसका, और मेरा ये फायर रेड सुपर फायर रेड ऑस्कर है, उसके साथ कॉपर है, पास्ट ऑस्कर है, उनका सबका पानी चेंज कर लिया, देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।